हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम जाएंगे बनियास मेट्रो स्टेशन पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा आज दुबई का लंडा। जो नाइजीरियंस और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो वहाँ पे सेल करती हैं। तो चले अभी हम मेट्रो स्टेशन पे हैं, इसके बाद जो है हम डायरेक्टली मेट्रो से वहाँ जाएंगे। अभी मेट्रो स्टेशन आप देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन है। तो ब्रांडेड टी शर्ट, शूज, हर चीज़ जो है वहाँ पे वो मिल जाएगी। हम लोग पहुँच गए हैं अपने स्टेशन पे। मेट्रो से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं मेट्रो के बाहर जाने के लिए। ये मेट्रो है जहाँ से मैं आया हूँ। अभी हम बाहर जा रहे हैं जी नाज़रीन। अभी हम बाहर जा रहे हैं मेट्रो से ऊपर की तरफ। मेट्रो अंडरग्राउंड थी, अभी हम बाहर जाएंगे और आपको दिखाता हूँ कि बाहर का नज़ारा किस तरह का है। बस अभी हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से मेट्रो से बाहर निकलें और फिर मैं दिखाऊँ आपको बाहर का। लेकिन बाहर अभी अंधेरा होगा बहुत। हाँ, दूसरी बात कहना भूल गया आपको, कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने अप्रैल में, आज 5 तारीख है अप्रैल की, तो मैंने जैकेट क्यों पहना हुआ है। मैं जैकेट इसलिए पहना हुआ है कि आज कुछ मौसम चेंज है। जब मैं निकला हूँ घर से तो 20 सेंटीग्रेड था, और फिर दूसरा जो है वो मेट्रो के अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, तो मैंने इसलिए जो है वो जैकेट अपना पहन के आया था। ये मेरे पीछे जो है वो मेट्रो स्टेशन है जहाँ से बाहर आया हूँ मैं, और ये पूरी मार्केट आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, बनियास पे आपको मोस्टली जो है वो अफ्रीकन लोग ही मिलेंगे ज़्यादातर। 99% जो है वो अफ्रीकन लोग यहाँ पे रहते हैं। पार्क में जो है बहुत से लोग बैठे हुए हैं। अब मैं वेट करूंगा अपने दोस्त का, वो मुझे मिलने के लिए वहीं पे आएगा और फिर हम जो है वो आपको दिखाएंगे यहाँ। टी शर्ट्स वगैरह, सूट जो है वो आपको ट्रैक सूट वगैरह ब्रांडेड मिलेंगे। एक और भी है यहाँ पे मार्केट डे टू डे, जहाँ पे मोस्टली जो है वो दुबई के लोग शॉपिंग करते हैं। पूरी मार्केट यहाँ पे मोबाइल वगैरह की मार्केट, सस्ती मार्केट है। जो नॉर्मल मार्केट है यहाँ आपको यूज्ड मोबाइल भी मिल जाएंगे अच्छी कीमत पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर आदमी जो है वो जल्दी में होता है, जैसे उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। हम लोग बनियास पे ही हैं, आप जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे, ये पीछे जो है इसके नकली मार्केट है, जहाँ पे आपको पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर जो है वो हर चीज़ मिल जाएगी। ये अकबर भाई ने बताया मेरे को, अकबर भाई यहाँ का किंग है भाई, इसको हर चीज़ मालूम है। पिछले 7-8 साल से यहीं पर रह रहा है ये। ये हम लोग दोस्तों आ गए हैं अभी मार्केट के अंदर। बस मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट, अगर आपको कुछ नज़र आए तो। ये सारा यूज सामान आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, सोफे, बेड, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब जो है वो यहाँ पे यूज़ में है। कुछ नया भी है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ओल्ड मार्केट है पुराने सामान की। और जो दुकानें हैं यहाँ पे तकरीबन जो है वो पठानों की दुकानें हैं यहाँ पे। 99% आपको यहाँ पे जो है वो पठान भाई मिलेंगे आपको यहाँ पे। और यहाँ पे सेल कर रहे हैं चीज़ें, पुराना सामान।
वो मुख्तलिफ लोगों के घरों से निकाल के ले आते हैं और फिर जो है वो आपको यहाँ पर सेल करते हैं। ये पूरी मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वॉशिंग मशीन यार कुछ नहीं चाहिएगा ये आपको, लेकिन सोफा पड़ा हुआ है यहाँ पे रिपेयर करके हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये भाई जो है फ्रिज को रिपेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, मोस्टली आपको हमारे पाकिस्तानी भाई मिलेंगे यहाँ पे। होता ये कि यहाँ पे लोग जो अमीर लोग हैं वो हर दो साल तीन साल के बाद अपना सामान निकाल देते हैं, तो वहाँ से ये यहाँ तो खरीद लेते हैं, यहाँ पे वो लोग वैसे ही बिना पैसे के उठा के ले आते हैं और फिर यहाँ पे ला के सेल करते हैं। ये भाई बैठे हैं बाहर यहाँ पे, साथ ही इनकी अकोमोडेशन है यहाँ पे, ये बिल्ला है, ये आप देख रहे हैं सामने। ये अकबर भाई जो है वो आगे आगे जा रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है क्या लेना है। ये मैट्रेस पड़े हैं, नाजरूम हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, बारिश बहुत होती है यहाँ पे, गुजरना मुश्किल है क्योंकि उन्होंने फुटपाथ के ऊपर ही लगाया होता है और जैसे ही आती है पुलिस तो फिर ये अपना सामान उठा के यहाँ से निकल जाते हैं। देखा आपने कि बहुत रश, ये मेरे दोस्त हैं अकबर भाई, हैदराबादी। अकबर भाई हेलो, हाय। बस हम लोग निकले हैं, बहुत रश थी यहाँ पे कि बताना मुश्किल है आपको, निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल। आप अगर देख रहे हैं तो पीछे देखें कितना रश है, रात का टाइम है लेकिन इतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी रश बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमें कुछ समझ तो नहीं आया कि क्या लेना है यहाँ से, लेकिन टाइम हमने स्पेंड कर दिया यहाँ पे और आपको दिखा भी दिया कि हमने कितना बुलंडा मार्केट है यहाँ पे। छोटी सी है बस, ये रोड पे लगाई हुई इन्होंने, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके साथ ही एक और शॉप है यहाँ पे, यहाँ पे आइटम मिल जाएंगे आपको 30 दरम 20 दरम में, मुख्तलिफ आइटम है। ये देखिए ये शॉप है, 30 दरम 40 दरम के आपको मिलेंगे यहाँ पे आइटम। जी अकबर भाई क्या बोलते हैं आप इस इलाके के बारे में, चीज़ें सस्ती मिलती हैं यहाँ पे? या सस्ती मिलती और हर चीज़ आपको मिलेगी ए टू जेड, लेकिन रश बहुत होती है यहाँ पे, रश बहुत रहता है, हमेशा रश होता है। ये पूरा जो है वो ज़्यादातर आपको, अच्छा हम जो पीछे थे ना, हम लोग पीछे जो थे एरिया में जहाँ पे हमें वो टी शर्ट्स और ये वगैरह मिली थी, वहाँ पे ज़्यादातर लोग हमने देखे हैं कि वो अफ्रीकन थे, 90-95%। अब अगर यहाँ आते हैं तो हम यहाँ देखो कि आपको मिक्स मिलेंगे अफ्रीकन और कुछ पाकिस्तानी, मोस्टली यहाँ पे पठान हमारे भाई जो हैं वो ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। पूरा मार्केट है, सस्ती चीज़ें हैं। अब ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ,
पांच पांच धर्म की जो है वो चीजें मिल रही हैं यहाँ पे। टी शर्ट्स जो हैं 20 धर्म 10 धर्म तो बहुत सस्ती है यहाँ पे ये मार्केट। अब हम जहाँ जा रहे हैं यहाँ पे आपको तकरीबन गाड़ियों के सामान जो है वो पार्ट्स मिलेंगे, गाड़ियों के पार्ट्स, मर्सिडीज की, मर्सिडीज हो, BMW हो, कोई भी गाड़ी आपको जो है वो ईच एंड एवरी पार्ट्स जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारी कार पार्किंग है, लेकिन आज मैं मेट्रो पे सफ़र करना पसंद कर रहा था तो इसलिए हमने गाड़ी नहीं निकाली और मेट्रो पे जो है वो ट्रैवल किया है, बस और मेट्रो। मेट्रो का सफ़र जो है वो गाड़ी से बेहतर रहता है क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलती आपको मेट्रो में और जल्दी पहुंच जाते हैं मेट्रो से आप।